टीवी पर बयानबाजी करते हुए दिखेंगे। खेद का विषय यह है कि इस संकट के समय में भी वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे। मैं बार बार अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूं, आपको पता था कि मानसून आने वाला है, प्री मानसून के नाम पर जो बजट आपने सैंक्शन किया नालों की सफाई करने का, उसका ऑडिट करवाइए, श्वेत पत्र जारी कीजिए कि कितनी सफाई हुई, कितनी गाद निकली, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाइए। आपने वो काम जिम्मेदारी से, गंभीरता से नहीं किया, आपके और आपके अधिकारियों ने उसमें भ्रष्टाचार किया, जिसकी आपको लत लग चुकी है, और उसी का खामियाजा आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मुझे तो अफसोस इस बात का भी है कि कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने तय किया कि जो लोग वहां पीड़ित हैं, हम उनके भोजन की व्यवस्था करें। हमने 8 जगह कल किचन सेटअप की, आज 3 जगह और बढ़ा रहे हैं। अफसोस ये हुआ कि सुबह दिल्ली सरकार के अधिकारी वहां आकर किचन को बंद करने की धमकी देते हैं और हमें समझाते हैं कि ये गैर कानूनी है। अगर आपदा में फंसे लोगों को खाना खिलाना, किसी भूखे का पेट भरना, किसी बच्चा जो भूख से रो रहा है उसका पेट भरना अगर गैर कानूनी है, तो ये गैर कानूनी काम हम बार बार करेंगे, और आप रोक सकते हैं तो रोकिए। वहां के आप कहते हैं कि आप हमारे झंडे हटाएंगे, आप, मैं चुनौती देता हूं अफसरों को, हाथ लगा के दिखाएं। हम लोग वहां सेवा का काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री ने जो लाइन हमें दी है, सेवा, गरीब कल्याण और सुशासन, हम उसकी उसके तहत काम कर रहे हैं। हम आपकी तरह छुपके नहीं बैठे हुए कमरों में। तो अरविंद केजरीवाल से मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, हम जो सेवा का काम कर रहे हैं हमें करने दें, आपसे अगर नहीं होता है तो आप अपने घर में बैठिए, हम दिल्ली की जनता की रक्षा कर लेंगे। सर, यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और 40 साल से भी जो बड़ा रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। अब स्थिति को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ सुझाव है? हालांकि सरकार की तरफ से अभी एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है जिसे खुद उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल से एक ही सवाल पूछना है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली इस स्थिति के लिए तैयार नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप दिल्ली में कर क्या रहे थे? जब नालों की सफाई हो रही थी उस समय आपने चेक क्यों नहीं किया कि नाले साफ हो जाए? ये जिम्मेदारी आपकी थी, आपके प्रशासन की थी, जिसमें आप फेल हुए, आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। लेकिन इस संकट के लिए अरविंद केजरीवाल का प्रशासन जिम्मेदार है। यमुना में जो जल स्तर बढ़ रहा है वो तो उनका कहना है क्योंकि पहाड़ी, मैं वही तो कह रहा हूँ, वहां से जो पानी आना है उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। पहाड़ों से जो पानी आ रहा है वो तो जैसे आएगा उस फ्लो में आपको आना ही है। आपकी अपनी तैयारी क्या थी? अगर आपके नाले साफ होते, वो ओवरफ्लो नहीं होते, वो बैक नहीं मारते, तो शायद ये जितना स्तर दिखा रहे उससे हम बच सकते थे। लेकिन आपकी अपनी तैयारी नहीं है, इसलिए आप अब दूसरे प्रदेशों पे, दूसरे केंद्र पे आप इसका ठीकरा फूकेंगे, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे।